ये जहां भी हमारे मन की कोई चीज नहीं होती, हमारा फायदा नहीं होता, वो चीज बुरी है। और बुरी है तो उसमें कोई चीज नहीं, तर्क है तो ठीक है, नहीं है तो अपनी अपनी बात। अब सुनिए मेरी बात, मेरे हिसाब से जो कट ऑफ की इसमें बात है, और ये हो सकता है मैं तो चाह रहा हूं ये गलत हो जाए, कोई बात नहीं, इससे कम हो जाए, बट मेरी हिसाब से जो एक जनरल आइडिया में लगा पा रहा हूं, जनरल आइडिया में लगा पा रहा हूं कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, सामान्य सामान्य वर्ग के बच्चे, देखिए 80 और 85 ये सामान्य वर्ग, और कहो तो एक आसपास 82 से आप 84 के आसपास इसको समझ सकते हो, 80 से 85 में ये मेरा माइनस प्लस आप दो कह सकते हो कि माइनस प्लस इसमें टू, दो कम हो सकते हैं, दो ज्यादा हो सकती है, जनरल सामान्य। उसके बाद में अगर आप ओबीसी की बात करोगे तो इसे भी आपको ज्यादा वो मत मानिए, ये भी आपका यही 82 के आसपास 80 से 82 हो सकता है कि 80 से 82 भी ना हो, ये आपका 81 से 83 में भी माइनस प्लस टू मान के चलिए। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अब तो ईडब्ल्यूएस वाले ज्यादातर बच्चे इसको बनवाई लेते हैं क्योंकि पेट के कट ऑफ में आपके में ज्यादा अंतर नहीं था, बच्चे बहुत सारे अच्छे इसमें पेपर देने वाले सालों से बैठे हैं, अब भगवान ना करे इसमें कोई गड़बड़ हुई हो तो तुम फिर सोच ही सकते हो। 81 का 83 और इनका भी बिल्कुल यही सेम टू सेम, आप यही 81 से 83 वाला मानकर चलिए। जो अपने एस सी एस टी साथी हैं तो उनके लिए थोड़ा सा आप इसे 78 से 80 के आसपास मान के चलिए, और जो अपने एस टी साथी हैं वो साथी इसको 72 से 75, और इसमें माइनस प्लस यहां पे थोड़ी सी माइनस प्लस 3, इसको भी अगर आप ज्यादा ना लेके चलो तो आप 75 के करीब मान ही सकते हैं, 75-78 और 72 से 75 माइनस प्लस इसमें भी 3। उसके बाद में हर एक कैटेगरी में महिलाओं को हॉरिजॉन्टल आरक्षण मिलता है, तो महिला उम्मीदवार भी इसमें ज्यादा वो ना लेकर चले, जिस हिसाब से पेपर है, जिस हिसाब से पेपर है, तो आप भी अपने आप को 82 से 84 की कैटेगरी में मेरे हिसाब से मानकर चले। ऐसा पेपर ये नहीं था कि जिसमें आपके 60-70 प्रश्न आ रहे हों और आप इसको बहुत अच्छा स्कोर कहें, ये एकदम बहुत ही बेकार आपके कुछ रही है, या तो आपने पढ़ाई नहीं की या पेपर को समझ नहीं पाए, समझने जैसा भी कुछ नहीं था। पैसे उन्होंने पेपर के पैसे बचाए, लंबा क्वेश्चन देने की जगह शॉर्ट फॉर्म में देने की शुरू की, ऐसी भी शॉर्ट फॉर्म जिनका कोई मतलब नहीं निकलता, ऐसी योजनाएं जिनका नाम परिवर्तन हो चुका है, उन्होंने नरेगा भी नहीं दिया, उन्होंने रेगा दिया, उन्होंने रेगा दिया, नरेगा दे देते कम से कम, और असली नाम तो मनरेगा दे देते, तो आप सोच सकते हो उन्होंने कितना पैसा बचाने की कोशिश की है, पेपर बचाया है। वही 100 क्वेश्चन अच्छे आते हैं, 40-45 पेज यूपीएससी के देखोगे, इनके 4 पेज में पूरा पेपर सेट हो गया हिंदी इंग्लिश सहित, तो अब आपसे पैसे भी कम लिए थे तो इन्होंने आपको क्वेश्चन कम कर दिए, नहीं तो मुख्य परीक्षा में 200 नंबर का आता, बढ़िया डीपली प्रश्न स्टेटमेंट वाइज, तब अच्छे बच्चे मिलते, मजा भी आता पेपर करने में। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 15 मिनट का खींच करके, मैथ में भी कोई मार चीज नहीं है,